अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास के हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? ओके बेटा, आज जो है वो 3.1 जो कि हमने कंटिन्यू की हुई थी उसको क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1, और इसका लास्ट क्वेश्चन सिर्फ करना है आज हमने, और इसके बाद 3.2 हम स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, पार्ट वन है, क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है और पार्ट वन। 3x-2 रेशियो 4 प्रोपोर्शन 2x+3 रेशो 7। अब हमने क्या करना है, इसमें से अननोन वैल्यू जो कि एक्स है हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो आपने इसमें फार्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, तो जो आंसर आएगा उसमें से हम जो है वो आसानी से एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बेटा? इसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। 3x-2 इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x+3। 7 3 21x-14 इज इक्वल टू 4 2 8x, 4 3 12। एक्स वाले इकट्ठे कर लें, 21x-8x इज इक्वल टू 12+14। 21 में से जो है वो आप 8 माइनस करें तो क्या आएगा, 21 अगर मैं उसमें से 8 माइनस करूं तो यहाँ पर आएगा 26, यहाँ पर आएगा 13x। एक्स इधर ही आएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 13 2 x इज इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 2। तो बेटा ये क्लियर है इस तरह कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं हमने करने हैं इनको। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है (3x-1)/7 रेशो। नेक्स्ट है 3/5 प्रोपोर्शन, फिर अगेन आपके पास वैल्यू आ रही है 2x/3 और 7 रेशो 7/5। इसको हमने जो है वो सेम उसी फार्मूले से है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी हमारी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटीज जो है वो हमारे पास आएंगी, रेशियो प्रोपोर्शंस के जो है कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे, तो हमने उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो क्या है, 3x-1/7, ये मल्टीप्लाई होगा 7/5 से, इज इक्वल टू 3/5, ये मल्टीप्लाई होगा 2x/3 से, 3 3 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, तो 3x/5 इज इक्वल टू 2x/5। क्लियर है? अब क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इससे और ये इससे, तो 5 × 3x-1 5 × 2x, 5 3 15 -5 1 5 10x। एक्स वाले इकट्ठे कर लें, इसको उठा के इधर लें, 15x-10x, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 10 गए, 5x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3, x-3/2 रेशो
5 over x minus 1, x minus 1 over 3, 4 over x plus 4. इसको आप सॉल्व करना है और इसको भी सेम आपने जेहन में रखना है कि उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है हमने यहाँ पर. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ये हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ओवर x माइनस 1, x माइनस 1 ओवर 3. ये आपस में जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो ये है 2 ones are 2, 2 2s are 4. जितना कैंसिलेशन कर आप सकते कर सकते हैं, जितनी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आप उतना करें इसको. ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, 5 ओवर 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे इसको इससे, 3 2s are 6 इंटू एक्स माइनस 3 और 5 के साथ होगा एक्स प्लस 4, 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 20. एक्स बड़ा ये है ये वाला, इसको उठा के ले आए और ये उधर आके हो जाएगा माइनस 20, माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू 20 और 10 30 एंड 38 जो है आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. तो बेटा यहाँ तक देख लें, कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप बताएं मुझे. इसके बाद जो है नेक्स्ट इसके जो है वो मज़ीद पास दो पार्ट्स रहते हैं उनको करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करते हैं. जी ये क्लियर है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका, रेज करते हैं इसको. डस्टर जी वहाँ पे पड़ा है. इसका जो पार्ट 4 है वो करते हैं. पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशियो एक्स प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू एंड देन है पी माइनस क्यू होल स्क्वायर. कैसे करना है इसको? जी बेटा वही फार्मूला अगेन, आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा इस लास्ट वाले से, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक्स को फाइंड करना है तो ये हमने अननोन जाहिर है आप एक्स ही फाइंड करें तो इधर ही रहेगा, बाकी जो है वैल्यूज हम उस तरफ जो है वो मूव करवा देंगे. ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहेगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है इधर के मल्टीप्लाई हो रहेगा पी प्लस क्यू. ओके पहले मैं इसको लिखता हूँ पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये आ गया और साथ पी माइनस क्यू का ये होल स्क्वायर भाई आ गया और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब. अब आपको पता है क्यूब का फार्मूला, इसको आप एस डी चलते रहें. अच्छा इसको मैं 2 times लिख सकता हूँ, चलें आप इसको जैसे लिखा है वैसे रहने दें, आप इसको कुछ ना कहें. ये ए माइनस बी फार्मूला है इसका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये नीचे ही है. अब ये इसकी पावर से जो है क्योंकि स्क्वायर था कट जाएगा और ये इसे कंप्लीट कर जाएगा और पीछे एक्स के इज इक्वल आएगा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू. मीन्स का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आपके पास एक्स का जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा.
नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, 8 - x रेशो 11 - x प्रोपोर्शन, 16 - x और रेशो हमारे पास आ रही है 25 - x। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो सेम उसी प्लान के थ्रू हमने करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हाँ जी, 8 - x इंटू 25 - x फर्स्ट वाला लास्ट वाले से, 11 - x ये जो ये है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16 - x। मल्टीप्लाई करें, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी इसमें, x के दो आंसर्स हम लेके आएंगे। तो क्या है, 8 को 25 से करें मल्टीप्लाई, तो 25 को अगर 8 से करें, 8 × 5 = 40, 16 × 4 = 200 - 8 को x से करो 8x माइनस, अब x की दोनों से करें -25x और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी करें 11 को 56 से करें 11 × 56 और 16, तो 1 × 6 = 6, 1 × 1 = 1, 6 और 1 ये हो जाएगा 6 × 7 = 176 और 11 - 11x फिर -16x और -± x². क्लियर है बेटा? अब इसको इन सबको जो है देख लें, पहले तो आप पता है कि x² अगर सेम साइन के साथ एक दूसरे के ऑपोजिट पड़ा हो तो कैंसिल हो जाता है। अब x में बड़ा देखें, x बड़ा कौन सा है, ये वाला, इनको उठा कर सबको उधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा 176 माइनस -11 - 16 कितने होते हैं -27 और ये रहेगा -200 + 8x + 25x इज इक्वल टू 0। हाँ, अब इसमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास जो है वो x के कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या होगा कि x वाले इकट्ठे कर लेते हैं 25, अच्छा अगर मैं 25 और ये x वाले ना, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इनको प्लस माइनस करते हैं तो 25 में से 27 निकालूं तो -2 आता है, 8 में से -2 निकालूं तो 6 आ जाएगा 6x और 200 में से 176 माइनस करूं तो 24 आएगा मेरे पास आंसर -24 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 24, 6 × 4 = 24, तो मेरे पास x का आंसर क्या आया मेरे बेटे, 4 आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद जो है हमारे पास प्रोपोर्शन है, वेरिएशंस, अब आपने पढ़ी है कि वेरिएशन क्या होती हैं। वेरिएशन जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शनैलिटी अगर आप जहन में रखें उसी से आप वेरिएशन को देखें, डायरेक्ट वेरिएशन एक होता है, इन्वर्स वेरिएशन एक होता है। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन में ये है कि आपके पास अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी उसी रिस्पेक्ट से, अगर आप पास 1 किलो आम है 50 के हैं तो 2 किलो 100 के हो रहेंगे, 1 किलो अगर आप पास 100 के हैं तो 2 किलो 200 के हो रहेंगे। तो मीन्स के ये है डायरेक्ट वेरिएशन, वेरिएट कर रहा है, डायरेक्टली वेरिएट कर रहा है, कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े। इन्वर्सली वेरिएशन ये होती है कि अगर आप पास कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो, एक कम हो दूसरी क्या हो बढ़े, तो ये कौन सी होती है, इन्वर्सली वेरिएशन होती है। इसको हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली जो है वो जाहिर है आपने जहन में रखा होगा कि डायरेक्टली जो भी होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब एक दूसरे के जो है ना आमने सामने लिखे जाते हैं, जिस फॉर्मेट में x है तो दूसरे फॉर्मेट में भी अगर आपने y के साथ उसका डायरेक्ट वेरिएशन लिखना है तो आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे और ये आप इस तरह से जो है वो राइट कर देंगे। अगर इन्वर्सली की बात करते हैं इन्वर्सली में क्या है कि वही चीज़ अगर आप x के साथ y की ले रहे हैं तो वो चीज़ एक, अगर x y के साथ इन्वर्सली है तो x लिखना है, लेकिन y जो होगा वो उसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में हम उसको उल्ट लिखेंगे, 1 के नीचे हम जो है उसको लिखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है?
ओके नेक्स्ट करते हैं अब इसका 3.2 स्टार्ट। अब उसमें जो है बड़े इजी क्वेश्चन आएंगे। 3.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई जो है वो इज इक्वल टू 8 है और जो दूसरी वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है एक्स की है वो है 2। मैं 3.2 लिखता हूँ ऊपर, एक्सरसाइज 3.2। वाई इन्वर्सली वाई डायरेक्टली एज एक्स वाई वेरीज जो वेरिएशन है एक्स के दरमियान वो क्या होती है वो डायरेक्टली है। अच्छा मैं वाई की वैल्यू लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू 8 है, एक्स इज इक्वल टू 2 है। फाइंड हमने करना है पार्ट वन में y in terms of x, हमने y का आंसर x के अंदर फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा पार्ट y फाइंड करना है when x is equal to 5, थर्ड पार्ट x फाइंड करना है when y is equal to 28। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है हमने। थोड़ा सा जो है बहुत इजी, जिस तरह हमने 3.1 का एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें हमने गर्ल्स की बॉयज़ के साथ रेशियो निकाली और गर्ल्स की बॉयज़ के साथ सेम इस तरह जो है हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। कैसे करना है, पहला पार्ट पहले तो आप लिख लें वाई डायरेक्टली है एक्स के, मीन्स के यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हम यूज़ करेंगे वो कॉन्स्टेंट आएगा हमारे पास एक्स के साथ के आएगा। अब वाई की जो वैल्यू है हमेशा याद रखना है इन क्वेश्चनों में कि हम हमेशा कांस्टेंट जब भी लेके आएंगे हम पहले के फाइंड करेंगे, वो के की वैल्यू तभी फाइंड होगी, वो के हमेशा हर एक केस के अंदर जो है हम वही यूज़ करेंगे जो उसकी वैल्यू आई हुई है। और वाई और एक्स की जो वैल्यू हम लगा के हम के निकालेंगे ना वो हम दोबारा नहीं लगा सकते, वो चेंज होंगी अगली बार। ठीक है, अगर ये एक बार लग चुकी हैं तो उसको हम अगेन ये नहीं निकाल सकते, जो अगली जो चीज़ें पूछेगा हम वो लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि के तो हमारे पास आ जाएगा ना, हम के यूज़ करेंगे बार बार वही, लेकिन आगे जब वो पूछेगा क्वेश्चन कि अगर आप एक्स फाइंड करना चाहें तो ये जैसे ये है कि वो कहता है कि आप वाई फाइंड करें मैं आपको एक्स ये देता हूँ, तो इसमें के आपके पास मौजूद है, के आप निकालेंगे इससे। ठीक है, के निकल आएगा तो आप यहाँ से वाई निकाल सकते हैं और आपको एक्स दे देगा क्योंकि आपके पास के की वैल्यू आ गई है। सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू 8, के इंटू 2, के इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2, 2 वन ज़ार 2 फोर ज़ार, के इज इक्वल टू के का आंसर आ गया। अब इस के से अब जो है आगे क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। पार्ट वन में पूछता है कि वाई का आंसर टर्म्स में निकालो, किस में एक्स में, वाई इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू के क्या है 4x, ले जी वाई का आंसर आ गया एक्स के अंदर। यही पूछा था ना उसने कि हमें उसने और कुछ दिया भी नहीं है, सिर्फ उसने कहा कि वाई का आंसर है एक्स में निकालो, निकलाया। पार्ट टू वाई निकालना है, एक्स आपको देता है 5, वाई इज इक्वल टू के एक्स, इक्वेशन वही यूज़ होगी बार बार, के भी वही यूज़ होगा, के 4 है और एक्स कितना आप दे रहे हैं 5, तो क्या है वाई इज इक्वल टू वाई का आंसर आ गया। पार्ट थ्री चलें, पार्ट थ्री में वो कहता है एक्स फाइंड करें आपको मैं वाई देता हूँ 28, y 28 है, k वैसे ही 4 आया हुआ है, x निकालना है हमने, x इज इक्वल टू 28 ओवर 4, 4 वन ज़ार 4, 4 सेवन ज़ार 28 और x इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो कितना आएगा 7 आएगा। तो बेटा इस तरह से जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अब इस तरह से आएंगे क्वेश्चन, सब क्वेश्चनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी आपके जहन में आएगी कि अगर डायरेक्ट हुई तो आपने ऐसे लिखनी है, इन्वर्स हुई तो आपने उसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना है, और फिर उसके बाद क्या है कि आपने के निकालने के लिए दो वैल्यूज हमेशा पहले देगा, दो वैल्यू जो पहले दे देगा उससे आपने के फाइंड करना है, और देन उसके बाद जो आपने उसके केसेस को जो है वो सॉल्व करते जाना है। उम्मीद है आपको समझ आ रही है इसकी। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इट
एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। ओके पार्ट नंबर है, अब पार्ट ख़त्म हो चुके हैं, क्वेश्चन टू है। वो कहता है कि वाई, ये खुद उसने लिख दी है, और वाई आपको 7 दे रही है और एक्स भी दे दिया है 3। फाइंड करें वाई इन, वाई का आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स, दूसरा पार्ट एक्स फाइंड करना है। वाई आपको देता हूँ मैं 35। फिर वो कहता है साथ ही कि वाई फाइंड करें और एक्स मैं आपको देता हूँ 18। अब एक ही क्वेश्चन में जो है वो रिपीट कर दी वही चीज़, अगेन वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप उसने क्या है इन चीज़ों को जो है वो दूसरा और तीसरा पार्ट बनाने के बजाय दूसरे पार्ट में दोनों को कंबाइन करके बता दिया कि ये ऐसे आप फाइंड करके दिखाएं। तो हम कर लेते हैं, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स, वाई क्या है 7, k फाइंड करना है हमने, x 3 है। फर्स्ट टू वैल्यूज हमें क्या दे रही हैं k, 7/3। अब हमने क्या करना है, y का आंसर टर्म्स में x के अंदर, y इज इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स आ गया। दूसरा पार्ट हमने x फाइंड करना है, y हमें दिया हुआ है 35, y इज इक्वल टू के एक्स, वाई हमने 35 दिया हुआ है, k 7/3 आ चुके हैं, x निकालना है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 5 ज़ार, तो 5 3 ज़ार 15। क्लियर है। फिर इसके बाद हमने इसी के साथ फाइंड करना है कि y निकालो और x मैं आपको दे देता हूँ कितना है 18। तो आप कर लें इसको हल, कि आपके पास इक्वेशन तो यही है, y इज इक्वल टू के एक्स, वाई आपने फाइंड करना है, k आपके पास है ओके गिवन है 7/3, x 18 दे दिए, 3 1 3 3 6 18, 6 7 42। तो बेटा ये है स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर और दिस एक्सरसाइज। कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं। जी बेटा ध्यान से देखें, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उसको मैं दिखा देता हूँ ये। हाँ जी ओके बेटा, यहाँ तक काफ़ी है, आज जो है वो इतना ही है। कल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी जो है वो जज्बे के साथ हम हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।